त्रिस्कंद ज्योतिष का जातक स्कंद। सनंदन जी कहते नारद में सादी राशिया काल पुरुष के क्रमशः मस्तक मुख बाहु हृदय उदर कटी वस्ती मतलब पेडू लिंग उरु जानु जंगा और दोनों चरण है। मंगल शुक्र बुध चंद्रमा सूर्य बुध शुक्र मंगल गुरु शनि शनि तथा गुरु ये क्रमशः मेष आदि राशियों के अधीश्वर स्वामी है। विषम राशियों में पहले सूर्य की फिर चंद्रमा की होरा बीतती है तथा सम राशियों में पहले चंद्रमा की फिर सूर्य की होरा बीतती है आदि के 10 अंश तक उसी राशि का द्रोषाकाण होता है और उस राशि के स्वामी ही उस द्रोषाकाण के स्वामी होते हैं। 11 से 20वें अंश तक उस राशि से 5वीं राशि का दोषकाण होता है और उसके स्वामी ही उस दोषकाण के स्वामी होते हैं। इस प्रकार अंतिम 10 अंश मतलब यथार्थ 21 से 30वें अंश तक उस राशि से नवम राशि का द्वेषाकाण होता है उसके स्वामी उस द्वेष्टाकाण के स्वामी कहे गए हैं। विषम राशियां में पहले 5 अंश तक मंगल फिर 5 अंश तक शनि फिर 5 अंश तक बृहस्पति फिर 7 अंश तक बुध और अंतिम 5 अंश तक शुक्र त्रिशांशेष कहे गए। सम राशियों में उसके विपरीत क्रम से पहले 5 अंश तक शुक्र फिर 7 अंश तक बुध फिर 8 अंश तक बृहस्पति फिर 5 अंश तक शनि और अंतिम 5 अंश तक मंगल त्रिशांशेषक बताए गए हैं। मेष आदि राशियों के नवमांश मेष मकर तुला और कर्क से प्रारंभ होते हैं यथा मेष ही धनु के मेष से वृष कन्या मकर के मकर से मिथुन तुला और कुंभ के तुला से तथा कर्क वृषभ और मीन के नवमांश कर्क से चलते हैं। ढाई अंश के द्वादशांश होते हैं जो अपनी राशि से प्रारंभ होकर अंतिम राशि पर पूरे होते हैं और उन राशियों के स्वामी ही उन ददांशों के स्वामी कहे गए। इस प्रकार ये राशि होरा आदि सड़वर्ग कहलाते हैं। वृष मेष धनु कर्क मिथुन और मकर ये त्रिराशि संज्ञक है यथार्थ रात्रि में बलि माने गए हैं। ये पृष्ठ भाग से ग्रह उदय लेने के कारण उष्टोदक कहलाते हैं किंतु मिथुन षष्टोदय नहीं है शेष राशियों की दिन संख्या है। वे दिन में बलि और सूर्य शिष्योदय माने गए हैं। मीन राशि को उभयोदय कहा है। मेष आदि राशियां क्रम से क्रूर और सौम्य यथार्थ मेष आदि विषम राशियां क्रूर और पुरुष आदि सम राशियां सौम्य है। मेष आदि राशियां क्रम से पुरुष स्त्री और नपुंसक होती है। तीन नवीन मत में दो विभाग है। मेष आदि विषम राशियां पुरुष और वृषभ पुरुष आदि सम राशियां स्त्री है। इस प्रकार मेष आदि राशियां क्रमशः चर स्थिर और द्वि स्वभाव में विभाजित है यथार्थ मेष चर वृषभ स्थित और मिथुन स्थिर और मिथुन द्वि स्वभाव है। कर्क चर सिंह स्थिर और कन्या द्वि स्वभाव है। इस प्रकार से शेष राशियों की भी समझे। शेष मेष आदि राशियां पूर्व आदि दिशाओं में स्थित है यथा मेष सिंह धनु पूर्व में वृष कन्या मकर दक्षिण में मिथुन तुला कुंभ पश्चिम में और कर्क वृश्चिक मीन उत्तर में स्थित है। ये सब अपनी अपनी दिशा में रहती है। सूर्य का उच्च मेष चंद्रमा का वृष मंगल का मकर बुध का कन्या गुरु का कर्क शुक्र का मीन तथा शनि का उच्च तुला है। सूर्य का मेष में 10 अंश चंद्रमा का वृष में 3 अंश मंगल का मकर में 28 अंश बुध का कन्या में 15 अंश गुरु का कर्क में 5 अंश शुक्र का मीन में 27 अंश तथा शनि का तुला में 20 अंश उच्चांश मतलब परमोच्च है। सूर्यादि ग्रहों की जो उच्च राशियां कही गई है उससे 7वीं राशि उन ग्रहों का नीच स्थान है। चर में पूर्व नवमांश वर्गोत्तम है स्थिर में मध्य पांचवा नवमांश और द्वि स्वभाव में
अंतिम नवा नवम मास उत्तम वर्ग सर्व वर्गोत्तम है। तनु मतलब लग्न आदि 12 भाव है। सूर्य का सिंह राशि का वृषभ, मंगल का मेष, बुध का कन्या, गुरु का धन, शुक्र का तुला और शनि का कुंभ, ये सब ये मूल त्रिकोण कहा गया है। चतुर्थ और अष्टम भाव का नाम चतुरस्त है। नवम और पंचम का नाम त्रिकोण है। द्वादश अष्टम और अष्टम का नाम त्रिक है। लंग चतुर्थ सप्तम और दशम का नाम केंद्र है। द्विपद जलचर कीट और पशु ये राशियां क्रमशः केंद्र में बली होती है। यथार्थ द्विपद लग्न में, जलचर चतुर्थ में, कीट सातवें में और पशु दसवें में बलवान माने गए हैं। केंद्र के बाद के स्थान 2, 5, 8, 11 ये पणक कहे गए हैं। उसके बाद के 3, 6, 9, 12 से अपो क्लिम कहते हैं। मेष का स्वरूप रक्तवर्ण, वृष का श्वेत, मिथुन का शुक्र के समान हरित, कर्क का पाटल मतलब गुलाबी, सिंह का धूम्र, कन्या का पांडु और गौर, तुला का चित्त कबरा, वृषभ का कृष्ण वर्ण, धनु का पीत, मकर का पिंड पिंग, कुंभ का बभ्रू मतलब नेवले के सदस्य और मीन का स्वच्छ वर्ण है। इस प्रकार मेष से लेकर सब राशियों की क्रांति का वर्णन किया गया है। अब सब राशियां स्वामी की दिशा की ओर झुकी रहती है। सूर्य आश्रित राशि से दूसरे का नाम वेशी है। ग्रहों के शील गुण आदि का निरूपण सूर्यदेव काल पुरुष के सातवां चंद्रमा मन, मंगल पराक्रम, बुध वाणी, गुरु ज्ञान एवं सुख, शुक्र काम और शनिश्चर दुख है। सूर्य चंद्रमा राजा, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार बृहस्पति तथा शुक्र मंत्री और शनिश्वर सेवक या दूत है। ये ज्योतिष शास्त्र के श्रेष्ठ विद्वानों का मत है। सूर्यादि ग्रहों के वर्ण इस प्रकार है। सूर्य का ताम्र, चंद्रमा का शुक्ल, मंगल का रक्त, बुध का हरित, बृहस्पति का पीत, शुक्र का चित्र मतलब चित्काबरा और शनिश्चर का काला है। अग्नि, जल, कार्तिकेय, हरि, इंद्र, इंद्राणी और ब्रह्मा ये सूर्यादि ग्रहों के स्वामी है। सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चंद्रमा, बुध तथा बृहस्पति ये क्रमशः पूर्व अग्नि कोण, दक्षिण नैऋत्य कोण, पश्चिम वायव्य कोण, उत्तर तथा ईशान कोण के स्वामी है। क्षीण चंद्रमा, सूर्य, मंगल और शनि ये पाप ग्रह है। इससे युक्त होने पर बुध भी पाप ग्रह हो जाता है। बुध और शनि नपुंसक ग्रह है। शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह है। शेष सभी रवि मंगल गुरु ग्रह पुरुष है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ये क्रमशः अग्नि, भूमि, आकाश, जल तथा वायु इन तत्वों के स्वामी है। शुक्र और गुरु ब्राह्मण वर्ग वर्ण के स्वामी है। भौम तथा रवि क्षत्रिय वर्ण वर्ग के स्वामी है। चंद्रमा वैश्य वर्ग के तथा बुध शूद्र वर्ण के अधिपति है। शनि अंत्यज्यों के तथा राहु मलेच्छों के स्वामी है। चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति सत्वगुण के, बुध और शुक्र रजोगुण के तथा मंगल और शनिश्चर तमोगुण के स्वामी है। सूर्य देवताओं के चंद्रमा जल के मंगल अग्नि के, बुध कीड़ा विहार के, बृहस्पति भूमि के, शुक्र कोष के, शनिश्चर शयन के तथा राहु ऊसर के स्वामी है। स्थूल मतलब मोटे सत्तु से बना हुआ, नवीन अग्नि से जला हुआ, जल से भीगा हुआ, मध्यम मतलब न नया न पुराना, सुदृढ़ मजबूत तथा फटा हुआ, इस प्रकार क्रम से सूर्य आदि ग्रहों का वस्त्र है। ताम्र मतलब तांबा, मणि, सुवर्ण, कांसा, चांदी, मोती और लोहा ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों के धातु है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ये क्रम से शनि, शुक्र, मंगल, चंद्र, बुध तथा गुरु की ऋतु है। ग्रह में जिस ग्रह का दृष्टिकोण हो उस ग्रह की लग्न में जिस ग्रह का दृष्टिकोण हो उस ग्रह की ऋतु समझनी चाहिए जाती है।
ग्रहों की दृष्टि नारद, सभी ग्रह अपने अपने आश्रित जनों से 3-10 स्थानों को एक चरण से, 5 या 9 स्थानों को 2 चरण से, 4 या 8 स्थान को 3 चरण से और सप्तम स्थान को 4 चरण से देखते हैं, किंतु 3-10 स्थान को शनि, 4-5-9 को गुरु तथा 4-8 को मंगल पूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। अन्य ग्रह केवल सप्तम स्थान को ही पूर्ण दृष्टि चारों चरणों से देखते हैं। ग्रहों के कालमान, अयन मतलब 6 मास 2 घड़ी, मुहूर्त मतलब 2 घड़ी, अहोरात्र ऋतु मतलब 2 मास, पक्ष तथा वर्ष, ये क्रम से सूर्य आदि ग्रहों के कालमान है। तथा कटु मतलब मिर्ची आदि, लवण तिमल, तिलक मतलब निम्बादि, मिश्र मतलब सब रसों का मेल, मधुर अल्म मतलब खट्टा और कसाय मतलब कसेला, ये क्रम सब सूर्य आदि ग्रहों के रस है। ग्रहों की स्वाभाविक बहु सम्मत मैत्री, ग्रहों के जो अपने अपने मूल त्रिकोण स्थान कहे गए हैं, उस मूल त्रिकोण स्थान से 2, 12, 5, 9, 8, 4 इन स्थानों से तथा अपने उच्च स्थानों से स्वामी ग्रह मित्र होते हैं और उसमें भिन्न मूल त्रिकोण में 1, 3, 6, 7, 10, 11 स्थानों से स्थानों के स्वामी शत्रु होते हैं। मन मतांतर से ग्रह मैत्री, सूर्य का बृहस्पति, चंद्र के गुरु बुध, मंगल के शुक्र बुध, बुध के रवि को छोड़कर शेष सब ग्रह, गुरु के मंगल को छोड़कर सब ग्रह, सूर्य के चंद्र रवि को छोड़कर अन्य सब ग्रह और शनि के मंगल चंद्र रवि को छोड़कर सब शेष सभी ग्रह मित्र होते हैं। ये मत अन्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत है। ग्रहों की तात्कालिक मैत्री, उस समय में जो जो दो ग्रह 2, 12, 3, 11, 4, 10 इन स्थानों में हो वे भी परस्पर तात्कालिक मित्र होते हैं। इससे भिन्न स्थान में स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं। इस प्रकार स्वाभाविक मैत्री में मूल त्रिकोण से जिन स्थानों के स्वामी को मित्र कहा गया है, उसमें 2 स्थानों के स्वामी को मित्र, 1 स्थान के स्वामी को सम और अनुक्त स्थान के स्वामी को शत्रु समझे। तदनंतर तात्कालिक मित्र और शत्रु का विचार करके दोनों के अनुसार अधिमित्र, विमित्र, सम शत्रु और अधि शत्रु का निश्चय करना चाहिए। ग्रहों के बल का कथन, अपने अपने उच्च मूल त्रिकोण गुरु और नवमास में ग्रहों के स्थान संबंधी बल होते हैं। बुध और गुरु को पूर्व मतलब उदय लग्न में, रवि और मंगल को दक्षिण दशम भाव में, शनि को पश्चिम मतलब सप्तम भाव में और चंद्र तथा शुक्र को उत्तर मतलब चतुर्थ भाव में दिग्गज संबंधी बल प्राप्त होता है। रवि और चंद्रमा उत्तरायण मकर से 6 राशि में रहने पर वर तथा अन्य ग्रह वक्र और समागम में चंद्रमा के साथ होने पर चेष्टा बल से युक्त समझे जाते हैं तथा जिन दो ग्रहों में युति होती है उसमें उत्तर दिशा में रहने वाला भी चेष्टा बल से संपन्न समझा जाता है। चंद्रमा मंगल और शनि ये रात्रि में, बुध दिन और रात्रि दोनों में तथा अन्य ग्रह रवि गुरु और शुक्र दिन में बलि होते हैं। कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह और शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बलि होते हैं। इस प्रकार विद्वानों ने ग्रहों का काल संबंधी बल माना है। रवि शनि मंगल बुध गुरु शुक्र चंद्रमा तथा रवि ये उत्तरोत्तर बलि होते हैं। इस प्रकार ये ग्रहों का नैसर्गिक स्वाभाविक बल है। वियोनि जन्म ज्ञान मतलब प्रश्न आधार या जन्म समय में यदि पाप ग्रह निर्मल हो, शुभ ग्रह बलवान हो, नपुंसक मतलब बुध शनि केंद्र में हो तथा लग्न पर शनि या बुध की दृष्टि हो तो तत्कालिक चंद्रमा जिस राशि के द्वादशांश में हो उस राशि के सदस्य वियोनि मतलब मावेतर प्राणी का जन्म जानना चाहिए अर्थात मानवेतर प्राणी का जन्म ले होना चाहिए अर्थात चंद्रमा आदि विनियोग राशि के द्वादश में हो द्वादश में हो तब विनियोग प्राणियों का जन्म समझना चाहिए अथवा पाप ग्रह अपने 9 मास में और शुभ ग्रह अन्य ग्रहों के
नव मास में हो तथा निर्बल विनियोनी वियोनी राशि लग्न में हो तथा तथापि विद्वान पुरुष विनियोनी या मानवेंतर जीव के जन्म का प्रतिपादन करते हैं। वियोनी के अंगों को राशि स्पर्श राशि स्थान मस्तक मुख गला गला मतलब गर्दन पैर जंगा पीठ हृदय दोनों पार्श्व पेट सूरा गुदा मार्ग पिछले पैर लिंग अंडकोश समूह अंडकोश चुतड़ तथा पुच्छ इस प्रकार चतुर्थ आदि पशु पक्षी के अंगों के मेषादि राशियों के लिए स्थान है। विनियोग करने का ज्ञान विनियोग के अंगों के राशि स्थान मस्तक मुख गला गर्दन पैर जंगा पीठ हृदय दोनों पार्श्व पेट गुदा मार्ग पिछले पैर लिंग अंडकोश चतुर्थ तथा चूतड़ तथा पुच्छ इस प्रकार चतुष्पद आदि पुष्प पशु पक्षी के आँखों अंडों में मेषादि राशियों के स्थान है। वियोनी वर्ण ज्ञान लग्न में जिस ग्रह का योग हो उस ग्रह के समान और आदि किसी का योग न हो तो लग्न के नवमांस राशि राशिपति का समान विनियोग का कर्म श्याम और गा श्याम और गौरी आदि गौर आदि रंग कहा गया है। बहुत से ग्रहों के योग या दृष्टि को जो हो तो उसमें जो बलि हो या जितने बलि हो उसके सदस्य वर्ण करना चाहिए। लग्न के समस्त भाव में सप्तम भाव में ग्रह हो तो उस ग्रह के स्वामी उस ग्रह का जैसा वर्ण कहा गया है वैसा चिन्ह उस योगी विनियोग के पीठादि अंगों के में जाना चाहिए। पश्चिम जन्म ज्ञान बहुत ग्रहयुक्त लग्न में पश्चिम कोण हो तथा बुद्ध का नवमांस हो या चर राशि का नवमांस हो तथा उस पर शनि या चंद्रमा का अथवा दोनों की दृष्टि हो तो क्रमशः शनि और चंद्रमा की दृष्टि से स्थलचर और जलचर पक्षी का जन्म समझना चाहिए। वृक्षादि जन्म ज्ञान यदि लग्न चंद्र और गुरु सूर्य ये चारों लिंग चारों निर्बल हो तो वृक्ष का जन्म जानना चाहिए। स्थल का जल संबंधी वृक्षों के भेद लक्षांश के अनुसार समझने चाहिए। उस स्थल का या जलचर नवांश का स्वामी लग्न से जितने नवांश में आगे हो उतनी स्थल या जल संबंधी वृक्षों की संख्या जाननी चाहिए। यदि उस अंश के स्वामी सूर्य हो तो अंतसार सखुआ शीशम आदि शनि हो तो दुर्गम किसी उपयोग में न आने वाले कुकर्ष फरहद आदि खोटे वृक्ष चंद्रमा हो तो दूध वाले वृक्ष मंगल हो तो काटे वाले गुरु हो तो फल वाला आम आदि बुद्ध हो तो विफल जल जिसमें फल नहीं होते हैं वृक्ष शुक्र हो तो पुष्प के वृक्षों गेंदा गुलाब आदि का जन्म समझना चाहिए। चंद्रमा के अंशपति होने के कारण समस्त चिकने वृक्ष देवदारु आदि तथा मंगल के अंशाधिपति होने पर कड़ुए वृक्ष निम्बादि का भी जन्म समझना चाहिए। यदि शुभ ग्रहों में हो तो खराब भूमि से सुंदर वृक्ष और पाप ग्रह शुभ राशियों में हो तो सुंदर भूमि में खराब वृक्ष का जन्म होता है। इसी से
यथार्थ ये बात निकली कि ये कोई शुभ ग्रह अंशपति हो और वह शुभ राशि में स्थित हो तो सुंदर भूमि में सुंदर वृक्ष का जन्म होता है, और यदि पाप ग्रह अंशपति होकर पाप राशि में स्थित हो तो खराब भूमि में कुत्सित वृक्ष का जन्म होता है। इसके सिवा वह अंशपति अपने नौ मास से आगे जितने संख्या पर अन्य नौ मास में हो उतनी ही संख्या में और उतने ही प्रकार के वृक्षों का जन्म समझना चाहिए। अधान ज्ञान प्रतिमा मंगल और चंद्रमा के हेतु से स्त्री को ऋतु धर्म हुआ करता है। जिस समय चंद्रमा स्त्री की राशि से नेष्ट मतलब अनुपचय स्थान में हो तो शुभ पुरुष ग्रह बृहस्पति से देखा जाता हो तथा पुरुष की राशि से अन्यथा इष्ट मतलब उपचय स्थान में हो तो बृहस्पति से दृष्टि हो तो उस राशि को उस स्त्री को पुरुष का संयोग प्राप्त होता है। आधार लग्न से सप्तम भाव पर पाप ग्रह का योग या दृष्टि हो तो रोष पूर्वक और शुभ ग्रह का योग हो तो दृष्टि तो प्रसन्नता पूर्वक पति पत्नी का सुख होता है। अधान काल में शुक्र रवि चंद्रमा और मंगल अपने अपने नवमांस में हो तो गुरु लग्न से केंद्र या त्रिकोण में गुरु लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो वीर्यवान पुरुष को निश्चय ही संतान होती है। सूर्य से सप्तम भाव में मंगल हो और शनि हो तो वे पुरुष के लिए तथा चंद्रमा से सप्तम में हो तो स्त्री के लिए रोगप्रद होते हैं। सूर्य से 12-2 में शनि और मंगल हो तो पुरुष के लिए और चंद्रमा से 12-2 में ये दोनों हो तो स्त्री के लिए घातक होते हैं, अथवा इन शनि मंगल में एक से युक्त हो और अन्य से दृष्टि रवि हो तो वह पुरुष के लिए और चंद्रमा आदि एक से युक्त तथा अन्य से दृष्ट हो तो वह स्त्री के लिए घातक होता है। दिन में गर्भाधान हो तो शुक्र मातृग्रह और सूर्य पितृग्रह होते हैं। रात्रि में गर्भाधान हो तो चंद्रमा मातृग्रह और शनि पितृग्रह होते हैं। पितृग्रह आदि विषम राशि में हो तो पति के पिता के लिए और मातृग्रह सम राशि में हो तो माता के लिए सुखकारक होता है। यदि पाप ग्रह 12वें भाव में स्थित होकर पाप ग्रह से देखा जाता और शुभ ग्रह से न देखा जाता हो तो अथवा लग्न में शनि हो तथा ऊपर पर उस पर क्षीण चंद्रमा और मंगल की दृष्टि हो तो गर्भाधान आदि होने से स्त्री का मरण होता है। लग्न और चंद्रमा दोनों या इनमें से एक भी दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो गर्भाधान होने पर स्त्री गर्भ के रहित सहित साथ ही या पृथक मृत्यु को प्राप्त होती है। लग्न अथवा चंद्रमा से पृथक स्थान में पाप ग्रह हो मंगल अष्टम भाव में हो अथवा लग्न से चौथा 12वें स्थान में मंगल और शनि हो तथा चंद्रमा क्षीण हो तो भी गर्भवती स्त्री का स्मरण होता है। यदि लग्न में मंगल और सप्तम में रवि हो तो गर्भवती स्त्री का शास्त्र द्वारा मरण होता है। गर्भधान काल में जिस मास का स्वामी अस्त हो उस मास में गर्भ का स्त्राव होता है, इसलिए इस प्रकार के लग्न को गर्भधान में त्याग देना चाहिए। अधान कालिक लग्न या चंद्रमा के साथ अथवा इन दोनों से 5, 9, 7, 4, 10 के 10वें स्थान में सब शुभ ग्रह हो तो 3, 6, 11 भाव में ग्रह सब पाप ग्रह हो तथा लग्न और चंद्रमा राशि की दृष्टि हो तो तथा लग्न और चंद्रमा सूर्य की दृष्टि हो तो गर्भ सुखी रहता है। रवि गुरु चंद्रमा और लग्न ये सभी राशि एवं विप्रन
उत्तर सभी ग्रह यदि चंद्रमा राशि और सम नवम मास में हो अथवा चंद्रमा मंडल चंद्रमा और शुक्र ये सम राशि में हो तो विद्वान जनों को कन्या का लग्न जन्म समझना चाहिए अथवा वे सब द्वितीय भाव राशि में हो तो दुख से देखे जाने चाहते हो तो अपने अपने पक्ष के यमल मतलब जुड़वी संतान के जन्म कारण होते हैं यथात पुरुष ग्रह ही दोनों के और स्त्री ग्रह दो कन्याओं को जन्मदाता होती है। यदि दोनों प्रकार के ग्रह हो तो एक पुत्र और एक कन्या जन्म लेती है जन्म लेना समझना चाहिए इससे ग्रह विषम आदि स्पष्ट रूप से कन्या और चंद्रमा दोनों या एक भी दो ग्रह में बीच में वो गर्भाधान होने पर स्त्री छात या पृथक त्याग देता है। अधान कालीन लग्न या चंद्रमा के साथ अथवा इनमें से 5, 9, 7, 4, 10वें स्थान में सब शुभ ग्रह हो और 3, 6, 11 भाव में सब पाप ग्रह हो तो तथा लग्न और चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो गर्भ सुख रहता है। रवि गुरु चंद्रमा और लग्न ये विषम राशि एवं विषम नव मास में हो अथवा रवि और गुरु विषम राशि में स्थिर हो तो पुत्र का जन्म समझना चाहिए। उसी उक्त सभी ग्रह यदि सम राशि और नव मास में हो अथवा मंगल चंद्रमा और सूर्य सब राशियों में हो तो जनों को लग्न कन्या का जन्म समझना चाहिए अथवा वे सब द्विभाव द्विस्वभाव राशि में हो तो बुध से देखे जाते हो तो अपने अपने पक्ष में यमल जुड़वी संतान के स्थान जन्म स्थान होते हैं यथार्थ पूर्व ग्रह दो पुरुषों के और स्त्री ग्रह दो कन्याओं के जन्मदाता होता है। यदि दोनों प्रकार के ग्रह हो तो एक एक पुत्र एक एक कन्या का जन्म समझना चाहिए। लग्न से विषम 3 या 5 आदि स्थानों में स्थित शनि भी पुत्र जन्म कारक होता है। क्रमशः विषम एवं सम राशि में स्थित रवि और चंद्रमा अथवा बुध और शनि एक दूसरे को देखते हो अथवा सम राशि स्थ सूर्य को विषम राशि स्थ मंडल देखता हो तो या विषम सम राशि से लग्न एवं चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि हो अथवा चंद्रमा सम राशि और लग्न विषय राशि में स्थित हो उन मंगल की दृष्टि हो अथवा लग्न चंद्रमा और सूर्य तीनों पुरुष राशि के नवमांस में हो तो इन सब राशि योगों के निपुंसक का जन्म होता है। शुक्र और चंद्रमा सम राशियों में हो तथा बुध मंगल तथा गुरु मंगल लग्न और बृहस्पति विषम राशि में स्थित होकर पुरुष ग्रह से देखे जाते हो अथवा लग्न एवं चंद्रमा सम राशि में हो या पूर्वोक्त बुध मंगल ग्रह गुरु एवं गुरु लग्न एवं गुरु सम राशि में हो तो ये सब जुड़वी संतान को जन्म देते होते हैं। यदि बुध अपने मिथुन का या कन्या के नवम मास में स्थिर होकर भी स्वाभाविक राशि तक ग्रह और लग्न को देखता हो तो गर्भ में 3 संतानों की स्थिति समझनी चाहिए। इनमें से 2 तो बुध नव मास के सदस्य होंगे 1 लग्नांश के सदस्य। यदि बुध और लग्न दोनों तुल्य नवमास में हो तो तीनों संतानों को एक साथ ही समझना चाहिए। यदि धनु राशि का अंतिम
अंतिम मास लग्न हो उसी अंश में बलि ग्रह स्थित हो और बलि बलवान बुद्धि या शनि से देखे जाते हो तो ग्रह में बहुत तीन से अधिक संतानों की स्थिति समझनी चाहिए। गर्भ मासों की अधिपति शुक्र मंगल बृहस्पति सूर्य चंद्रमा शनि ग्रह बुध आधान ग्रह लग्न सूर्य और चंद्रमा गर्भाधान काल से लेकर प्रसव पर्यंत 10 मासों के क्रमशः स्वामी है। आधार समय में जो ग्रह बलवान या निर्बल होता है उसके मास में उसी प्रकार शुभ या अशुभ फल होता है। बुध 5 या 9 में हो तो और अन्य सब निर्बल हो तो गर्भस्थ शिशु के 2 मुख 4 पैर और 4 आग होते हैं। चंद्रमा वृष में हो और अन्य सब पाप ग्रह राशि संध में हो तो बालक गुंगा होता है। यदि युक्त ग्रहों पर शुभ दृष्टि की दृष्टि होती हो तो वह बालक अधिक दुखों में अधिक दिनों में बोलता है। मंगल और शनि यदि बुध की राशि दे नवम मास में हो तो शिशु गर्भ में ही दांत से युक्त होता है। चंद्रमा कर्क राशि में होकर लग्न में हो तथा उस पर शनि और मंगल की दृष्टि हो तो गर्भस्थ शिशु कुबड़ा होता है। मीन राशि लग्न में हो और ऊपर पर उस पर शनि चंद्रमा और मंगल की दृष्टि हो तो गर्भ का बालक पंगु होता है। पाप ग्रह और चंद्रमा राशि संधि में हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो गर्भस्थ शिशु जड़ मतलब मूर्ख होता है। मकर का अंतिम अंश लग्न में हो और उन पर शनि चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि हो तो गर्भ का बच्चा वामन बोना होता है। पंचम तथा नवम लग्न के दोष्टकाण में पाप ग्रह हो तो जातक क्रमशः पैर मस्तक और हाथ से रहित होता है। गर्भाधान के समय यदि सिंह लग्न में सूर्य और चंद्रमा हो तथा उस पर रवि और मंगल की दृष्टि हो तो शिशु नेत्रहीन होता है। यदि शुभ और पाप ग्रह दोनों की दृष्टि हो तो आँख में फूली होती है। यदि लग्न से 12वें भाव में चंद्रमा हो तो बालक का वाम नेत्र और सूर्य हो तो दक्षिण नेत्र नष्ट होता है। ऊपर जो अशुभ योग कहे गए हैं उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उन योगों के फल पूर्ण नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में देवाराधन एवं चिकित्सा आदि यंत्रों से अशुभ फल का निवारण हो जाता है। यदि आधान ग्रह में शनि का नवम मास हो और शनि सप्तम भाव में हो तो 3 वर्ष पर प्रसव होता है। यदि इसी स्थिति में चंद्रमा हो अर्थात लग्न में चंद्रमा का नवमांश हो और चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित हो तो 12 वर्ष पर प्रसव होता है। इन दो योगों का विचार जन्म काल में भी करना चाहिए। आधान काल में जिस द्वादशांश में चंद्रमा हो उससे उतने ही संख्या वाले राशि में चंद्रमा के आ जाने पर बालक का जन्म होता है। द्वादशांश भूत दास अशांति को दो से गुणा करके उसमें 5 से भाग देने पर लब्धि राशिया मान की सूचक होती है। जन्म ज्ञान शिशु की जन्म कुंडल में यदि चंद्रमा जन्म लग्न को नहीं देखता हो तो पिता के परोक्ष में बालक का जन्म समझना चाहिए। यदि योग में सूर्य चर राशि में मध्य दशम भाव से आगे 11-12 में अथवा पीछे 9 और 8 में हो तो पिता के विदेश रहने पर पुत्र का जन्म समझना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि सूर्य स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में रहते हुए पिता के परोक्ष में और द्विस्वभाव राशि में हो तो स्वदेश और परदेश में मध्य राशि में पिता के रहने पर बालक का जन्म होता है। लग्न में शनि और सप्तम भाव में मंगल हो तो अथवा बुध और शुक्र के बीच में चंद्रमा हो तो भी पिता के परोक्ष में शिशु का जन्म समझना चाहिए। पाप ग्रह की राशि वाले लग्न में चंद्रमा हो अथवा वह वृषभ के द्वेष कारण में हो तथा शुभ ग्रह दो
ग्यारह भाव में स्थित हो तो सर्प का या सर्प से वेष्टित मनुष्य का जन्म समझना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, यदि सूर्य चतुष्पद राशि में हो और शेष ग्रह बलयुक्त हो तो एक ही कोष में लिपटे हुए दो शिशु का जन्म समझना चाहिए। शनि या मंगल से युक्त सिंह वृष या मेष लग्न हो तो लग्न के नवमास में राशि जिस अंग की हो उस अंग में नाल से लिपटे हुए शिशु का जन्म समझना चाहिए। यदि लग्न और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि न हो तो अथवा चंद्रमा सूर्य से संयुक्त हो तथा उसे गुरु नहीं देखता हो अथवा चंद्रमा पाप ग्रह और सूर्य से संयुक्त हो तो शिशु को पर पुरुष के वीर्य से उत्पन्न समझना चाहिए। यदि दो पाप ग्रह पाप राशि में स्थित होकर सूर्य से सप्तम भाव में हो तो सूर्य के जर आदि राशि के अनुसार विदेश स्वदेश या मार्ग में बालक का जन्म समझना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा अपनी राशि में हो बुध लग्न में हो शुक्र बुध लग्न में हो शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में हो अथवा जलचर राशि लग्न हो और उसमें सप्तम स्थान में चंद्रमा हो तो नौका पर शिशु का जन्म समझना चाहिए। नारद, यदि जलचर राशि लग्न को जलचर राशि तक पूर्ण चंद्रमा देखता हो अथवा वह दस चार या लग्न में हो तो जल में प्रसव होता है, इसमें संशय नहीं। यदि लग्न और चंद्रमा से शनि बारहवें भाव में हो उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो बालक का कारागार में जन्म होता है तथा कर्क या वृषक राशि में शनि हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो गड्ढे में बालक का जन्म समझना चाहिए। जलचर राशि तक शनि लग्न में हो तो उस पर बुध सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि हो तो क्रमशः क्रीड़ास्थान देवालय और उत्सर भूमि में शिशु का प्रसव समझना चाहिए। यदि मंगल बलवान होकर लग्नगत शनि को देखता हो तो शमशान भूमि में चंद्रमा और शुक्र देखते हो तो रम्य स्थान में गुरु देखता हो तो अग्निहोत्र गृह में सूर्य देखता हो तो राजगृह देवालय और गौशाला में तथा बुद्ध देखता हो तो चित्रशाला में बालक का जन्म समझना चाहिए। यदि लग्न में चर राशि हो तो राशि में लग्न स्थान के स्थित कथित स्थान के समान स्थान में बालक का जन्म होता है। यदि लग्न में स्थिर राशि हो तो स्वदेश के ही उक्त स्थान में जन्म होता है। यदि तथा यदि लग्न राशि अपने नवांश में हो तो स्वगृह में ही वैसे स्थान में जन्म होता है। मंगल और शनि के त्रिकोण पांच या नौ में अथवा सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो जातक को माता त्याग देती है। यदि उस पर गुरु की दृष्टि हो तो त्यक होने पर भी दीर्घायु होता है। पाप ग्रह से दृष्ट चंद्रमा यदि लग्न में हो तो मंगल सप्तम भाव में स्थिर हो तो माता से व्यक्त होने पर जातक मर जाता है अथवा पाप ग्रह चंद्रमा यदि शनि मंगल से ग्यारहवें भाव में स्थित हो तो भी शिशु की मृत्यु हो जाती है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो बालक